तो आज हम कुछ थोड़ा सा एआई टूल के हवाले से देख रहे थे कि हम फोटोज पे थोड़ा सा एआई टूल पे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे एक टूल है जिसका नाम है लियोनार्डो एआई, ठीक है। तो हम इस टूल को जैसे ही ऑन करेंगे, इसके लिए पहले आपके पास अपना जीमेल का आईडी बना होना चाहिए, वेदर आप इसको मोबाइल पे यूज कर रहे हैं या आप इसको अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं। हाँ, टूल सेम ही है, जीमेल का आईडी लगा होना चाहिए। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कोई 12 टोकन देता है डेली, जिसपे आप फ्री में कुछ ना कुछ जनरेट करा सकते हैं। वो हाँ, एडोब फायरफ्लाई, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे। उसके लिए फिर और ज़्यादा हाई फाई इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, क्योंकि वो ज़रा काम करता है। हाँ ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये इतना वो जनरेटिव एआई की तरह नहीं काम करेगा, ये काम तो करेगा लेकिन इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, अब जैसे हम जाते हैं सिंपल सा जो स्टेप है इसके अंदर, क्रिएट न्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं इमेज पे, तो ये हमसे मांगेगा प्रॉम्प्ट। क्या मांगेगा? प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए? हाँ, अब यही तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करना है इसको। इसके लिए देखिए, थोड़ा पीछे आए, बैक करते हैं और थोड़ा नीचे आए। जिन्होंने पहले कुछ प्रॉम्प्ट लिखे हुए वो यहाँ नजर आएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, ये सारी फोटोज फेक है, लेकिन अब इसमें कुछ फोटोज ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी सी न्यूडिटी वाली होती है, किसी के कपड़े आगे पीछे हैं, तो उसको थोड़ा आपने बर्दाश्त करना है, इग्नोर कर लेना है, ठीक है। हाँ, अब ये कोई फोटो इसमें रियल नहीं है, ये सारी बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो इसने फोटो बनाया है, कितना रियल बनाया है, ये वाला ठीक है, ये वुमेन वाला, ये चांद पे जा रहे हैं, ये वाला। आप इसमें ऐसे कर सकते हो, शाहरुख खान लुक लाइक तारिक जमील, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई सोबर सी फोटो लेते हैं, चलो यहाँ पीछे चलते हैं, ये वाली फोटो लेते हैं, ठीक है, ये वाली। हाँ, ये इतना जबरदस्त लगता है। अब आप कुछ जैसे कह रहे हैं कि मुझे सर पता नहीं चल रहा, लिखना नहीं आ रहा है कि नहीं, ये नहीं। तो ये देखें, वो ये जो फोटो बनी है, जिसने इसका प्रॉम्प्ट लिखा है, वो ये आ गया। आपको ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ये प्रॉम्प्ट आ गया। इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी कर लेना है, इस प्रॉम्प्ट को आपने पढ़ यहाँ पे पेस्ट कर देना। प्रॉम्प्ट माने कमांड। क्या कह रहा है? अ वूमेन स्टैंडिंग इन अ फील्ड ऑफ ऑल ग्रास एंड फ्लावर्स विथ अ गोथिक स्टाइल एंड स्माइल, ठीक है, पहला सेंटेंस ये इसका। शी हैज लॉन्ग वेवी डार्क ब्लोइंग इन द वाइंड एंड द लाइट मेकअप विद द हिंट ऑफ डार्क लिपस्टिक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया इसका, ठीक है। शी इज वेयरिंग अ शीर ब्लैक ब्लाउज विथ इंट्रिकेट लेस डिटेल्स एंड डीप वी नेक पेयर्ड विथ हाई वेस्टेड डार्क पैंट्स, ये हो गया इसका तीसरा सेंटेंस। शी इज अडॉर्न्ड विथ डैंगलिंग इयररिंग्स एंड लेयर्ड सिल्वर नेकलेस, और ये हो गया इसका चौथा, और ये हो गया पांचवा सेंटेंस इसका। द सीन हैज सॉफ्टन अ वार्म ग्लो विथ ब्लर्ड बैकग्राउंड हाईलाइट द वुमेन्स सरीन सरीन एंड एलिगेंट प्रेजेंस एमिड्स द नेचुरल सराउंडिंग। अच्छा, अब आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसलिए थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अगर बेहतर भी है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको समझाना नहीं आ रहा, ना समझ में आया क्या लिखा हुआ था, हम चले जाएंगे यहाँ पे गूगल भाई को, बोलेंगे भाई मुझे नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ था। गूगल भाई बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मेरी एक सर्विस है वो आप ले लो, जिसका नाम है ट्रांसलेट। कहाँ पर भाई? ये रहा। गूगल भाई बोलेंगे मेरी सर्विस है, ये आप ले लो और मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ये ट्रांसलेट कर दो, उर्दू में समझना है हिंदी में समझ लो। लंबी घास और फूलों के मैदान में गोथिक अंदाज और मुस्कुराहट के साथ खड़ी एक औरत, इसके लंबे लहराते गिरा विमान। अगर आपने कभी कोई पुराने अफसाने पढ़े हों, तो ये बिल्कुल उस अफसाने की तरह है। आप ऐसा भी कर सकते हो, वो पूरा अफसाना इसके अंदर उर्दू में कॉपी कर दो और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा लो। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं यार, ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा। फिर हम जाएंगे एक और भाई के पास, जिसका नाम है चैट जीपीटी, ठीक है। इसका एक और वर्जन भी है चैट जीपीटी का, ओपन एआई के नाम से, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। गूगल वालों का जेमिनाई है, गूगल वालों का कौन सा है? जेमिनाई। तो वो भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, चैट बोट खुल गया, ये चैट जीपीटी बोला था भाई, हाँ चले गए, चैट जीपीटी 4.0 खुल गया, चैट जीपीटी ये वाला चाहिए। 4.0 ज़रा बहुत एडवांस है, उसमें थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। ओपन एआई ले लेते हैं, ओपन एआई, ओपन एआई भी ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक प्रोडक्ट है, चैट जीपीटी का कंपेटेटिव है, तो वो भी काम करेगा इसके ऊपर। ओपन एआई यहाँ से खोल लेते हैं और चैट जीपीटी को लोड कर लेते हैं, जब तक ये लोड हो रहा है, ठीक
ठीक है, अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको उर्दू पढ़ी, कुछ तो समझ में आ गई बात। अ वुमन स्टैंडिंग इन अ फील्ड ऑफ ऑल ऑफ टाल ग्रास एंड फ्लावर्स विथ अ गोथिक स्टाइल एंड स्माइल। वुमेन की जगह मैंने कहा अ मैन स्टैंडिंग इन अ फील्ड टॉल ग्रास एंड फ्लावर्स, टॉल की जगह मैंने कर दिया स्मॉल ग्रास एंड रेड रोज विद फ्लावर्स विद गोथिक स्टाइल एंड स्माइल। स्माइल हमें चाहिए, अगर हमें इसको सेड करना है विद गोथिक स्टाइल एंड सेड स्माइल। ठीक है, समझ में आ रही है? ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये तो करा है हमने 9 मैट्रिक फर्स्ट इंटर में, ऐसे ही किया है सब कुछ। ठीक है, तो ये आ गया शी हैज। अब यहाँ जिक्र हो गया मैन का, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे? ही हैज लॉन्ग, नहीं, ही हैज शॉर्ट वेवी डार्क हेयर ब्लोइंग इन द वाइंड। अब ब्लोइंग नहीं होगा, चलो ब्लोइंग कर देते हैं, एंड लाइट मेकअप विथ हिंट ऑफ डार्क लिपस्टिक। अब लिपस्टिक तो लगाएगा नहीं, तो यहाँ पे कर देते हैं विथ ब्राउन लिप्स विथ हिंट ऑफ विथ ब्राउन लाइट ब्राउन लिप्स। ठीक है, ये ऐसे आपने बता दिया। अब ही इज वेयरिंग, अब ये देखो इसकी यहाँ पे बदलनी पड़ेगी। ही इज वेयरिंग कुछ ड्रेसेस का पता होना चाहिए, शीर ब्लैक ब्लाउज। अब आदमी तो ब्लाउज, अगर मैं ब्लाउज लिख दूंगा तो ये आदमी को ब्लाउज भी पहना देगा, ये जहन में रखिएगा, ये एरर नहीं देगा। हाँ, ये आदमी को ब्लाउज भी पहना देगा। अब हम थोड़े से इस पे थोड़ा रिसर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे गूगल को कहते हैं टेल मेन ड्रेस नेम्स एंड स्टाइल्स। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, तो ये देखिए हमें बता देगा। ब्लेजर भी होता है, बोट्स भी होता है, नेहरू सूट्स भी होता है, नेहरू सूट। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अब आपको समझ में आ गया ना, देखें कैसे काम हो रहा है। ही इज वेयरिंग अ शेयर ब्लैक ब्लाउज, नहीं ब्लैक नेहरू शेयर ब्लैक भी हटा देते हैं, नेहरू सूट्स सूट्स। ठीक है, नेहरू सूट्स की स्पेलिंग सही लिखी है, शायद उसको सूट्स लिखते हैं, नेहरू सूट कर देते हैं। विद इंटरेस्टेड लेस डिटेल एंड अ डीप वी नेक, अब वी नेक पे आ गया डीप वी नेक, और लड़का तो पहनेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे राउंड, इसके क्या हो रहा है राउंड। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कर देते हैं वी नेक की जगह डीप हटा देते हैं एंड अ राउंड नेक, गोल गला नहीं होता, राउंड नेक पेयर्ड विथ हाई वेस्टेड डार्क पैंट्स। अच्छा, इसको पैंट्स को हटा देते हैं, पैंट्स ले लेते हैं यार, नेहरू सूट के साथ पैंट सही रहेगा। ठीक है, शी इज अडॉर्न्ड विद डैंगलिंग इयररिंग्स लेयर्स, अब उसके पास तो है नहीं। ही इज अडॉर्न्ड विद, अडॉर्न्ड नहीं करना है, ही इज अडॉर्न्ड विद, नहीं नहीं विथ हैंड गोल्ड मेटल्ड मेटल्ड गोल्ड मेटल्ड वॉच, गोल्ड मेटल्ड हैंड वॉच, हैंड वॉच एंड लेयर सिल्वर नेकलेस, नेयर सिल्वर नहीं गोल्ड चेन। ठीक है, द सीन हैज अ सॉफ्ट, अभी सीन के बारे में बता, देखो पहले क्या बताया उसने, पहले बताया कि वो आदमी क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या पहना हुआ है, उसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है। सीन, अब सीन के बाद, सीन हैज अ सॉफ्ट वार्म ग्लो विद अ ब्लर्ड बैकग्राउंड। अब वार्म के जगह पे हम लिख रहे हैं कूल, कूल ग्लो विद ब्लर्ड बैकग्राउंड विद शार्प, ठीक है, शार्प बैकग्राउंड या विद अ बिजी बिजी बैकग्राउंड हाईलाइटेड द मैन्स सरन मैन्स मैन्स सरन्स एंड एलिगेंट प्रेजेंस अमिडस्ट द नेचुरल सराउंडिंग्स। ठीक है, ये आपने अपना बना लिया जो भी बनाना था कॉपी। अब चलेगा अब लियोनार्डो एआई पे, और इसको आपने कहा कि भाई अब मैं बनाऊंगा अपना, ये तो हो गया भाई तेरा, अब यहाँ कहेंगे क्रिएट ले मेरे लिए बना के लेकर आ, यहाँ पे आपने कहा क्रिएट न्यू, क्या हो गया इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? इंटरनेट इंतकाल फरमा गया, चल तो रहा है, थोड़ा रीलोड कर लेता हूँ उसको। ओके, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, ये ले गया हमें आगे, और वो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया, सही, समझ में आ गई बात, ये जनरेट पे क्लिक कर दिया। सो नाउ, अच्छा कितने फोटो जनरेट करने हैं वो यहाँ बता रहे हैं, मीडियम कंट्रास्ट फास्ट वगैरह जो भी है, चार फोटो ये जनरेट कर रहा है, कितने जनरेट कर रहा है,
चार, और रेशो रखा है 1:1 का, 4:3 के रेशो में भी बना सकते हैं, लार्ज साइज में बनाए, स्मॉल साइज में भी बना सकते हैं। चार क्यों बना रहा है, हमने नंबर ऑफ फोटोज में बाय डिफॉल्ट कितने रखे हुए, चार, चार के अलावा और भी बना सकते हैं। तो अब ये जनरेट करेगा, इस पर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, ये काम चल रहा है इसके ऊपर। चार मुख्तलिफ पोज से बना के देगा आपको ये, ठीक है ना। बना दिए हो जाएंगे शो, ठीक है। तब तक कुछ और देख लेते हैं ओपन एआई को, तो स्प्रिंग अपडेट्स आ गई इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखते हैं ओपन एआई क्या कह रहा है, चैट जीपीटी 4.0। ये जनरेट कर देगा, पर इंटरनेट थोड़ा फास्ट चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा हाँ नहीं भाई नॉर्मल हो, 8 MB का भी चलेगा, बहुत अच्छा काम कर लेता है। और अगर ये जो आ रहा है पीटी सेल वालों का, हाँ वाईफाई वगैरह हो उस पर, 30 MB 50 MB का जो आ रहा है वो तो जेस का ही चला रहा हूँ, ये हाल लगा, हाँ यही हाल लगा पड़ा है इसका, जेस के नेट पे कनेक्ट किया, 182 MB एक्सपेंस किए हैं इसमें, है ये बस हाथों से खराब किया हुआ है ना, वरना सीख जाए ना आवाम। वो तो मैंने पिछली दफा 81 GB उसके अंदर अपने खत्म किए, इसमें भी 1.5 GB पड़ा हुआ है। और टेलीनॉर का नहीं, आजकल मैंने एक बंदे लड़के ने कराया था यू फोन का, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मैं सोच रहा हूँ एक सिम को उस पे कर, बड़ा फास्ट चलता है वो वाला। चार तस्वीरें ना 1024 की थी, वो डाउनलोड कैसे करूँ, कुछ आए तो वेब पेज सेव कर रहा है पूरा, तस्वीर आएगी तो डाउनलोड होगी ना, जनरेशन कंप्लीट भी हो गई, करी नहीं से तस्वीर कंप्लीट। चलो मैं एक ही तस्वीर करा लेता हूँ, साइज उसका मीडियम रख लेते हैं, स्मॉल। अब जनरेट पे क्लिक कर लेते हैं, शायद कुछ, हाँ 3 कॉइन ले रहा है, हाँ डेलीकेट, हाँ एक ही करी है मैंने, एक ही पे लगा हुआ है, मेरा पैकेज ही खत्म कर दिया इसने। तो अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ इसकी, जल्दी से खत्म भी हो गया। पैकेज खत्म हो गया इसका, सोच रहा हूँ क्या करूँ।